Our next topic is nucleus. So nucleus, this organelle was as a cell organelle. It was first discovered by Robert Brown. इसको एज अ सेल ऑर्गेनल जो पहले डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. रॉबर्ट ब्राउन एंड इन विच ईयर? इन 1831. बाद में इसके मटेरियल को आइडेंटिफाई किया गया स्टेन करके. मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसको क्या नाम दिया गया? क्रोमैटिन. क्रोमैटिन. और ये जो नाम था क्रोमैटिन वो दिया था फ्लेमिंग ने. फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने ये क्रोमैटिन नाम दिया मटेरियल के न्यूक्लियस को जो बहुत सारे डाइस से स्टेन करने के बाद फाइंड किया गया था. न्यूक्लियस जो है वो सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है एक यूकैरियोटिक सेल की. न्यूक्लियस कंट्रोल्स all the activities of eukaryotic cell. relatively large organ होता है और ये सारी activity eukaryotic cell की करता है. और ये कुछ cells होती हैं जिनमें more than one nucleus होता है. जिन cell में more than one nucleus होगा we can say कि टू न्यूक्लियर पर सेल होगा उनको बोलते हैं बाय न्यूक्लिएट. बाय न्यूक्लिएट इसके एग्जाम्पल में आ सकता है हमारा पैरामीशियम जो होता है वो बाय न्यूक्लिएट होता है. पैरामीशियम. नेक्स्ट जिसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं. मल्टीपल न्यूक्लियस. मल्टीपल न्यूक्लियस वाले को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टी न्यूक्लिएट में हमारा आता है ओप्लूना. और कुछ सेल्स होती हैं विच लैक न्यूक्लियस जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है. मेच्योरिटी पे हमारे जो मैमल्स की आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स होती हैं और सी ट्यूब होती है उनमें हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट ही नहीं होता और उसको बोलते हैं हम ए न्यूक्लिएट. ए न्यूक्लिएट जैसे कि हमारी एग्जाम्पल में आ जाएगा मेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल एंड सीव ट्यूब्स जो हमारे प्लांट्स के अंदर आते हैं. सो न्यूक्लियस व्हेन इट इज़ इन नॉन डिवाइडिंग फेज यानी कि जब हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो वो डिवाइडिंग फेज है. लेकिन उससे पहले जब न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस. तो ये इंटरफेज न्यूक्लियस कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है उसको मैं बता देती हूँ न्यूक्लियस के पार्ट्स को. पहला होता है हमारा न्यूक्लियर एनवलप जिनके बारे में हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे. तो पहला हमारा है न्यूक्लियर एनवलप. सेकेंड हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म. थर्ड है हमारा इसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं. न्यूक्लियर मैट्रिक्स. थर्ड इज आवर न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. और फोर्थ हमारा है क्रोमैटिड. क्रोमैटिन. ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो हमारा आउटर कवरिंग है दैट इज़ न्यूक्लियर एनवलप. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़े हैं वो क्रोमैटिन है. और ये जो बीच में पोर्स बने हुए हैं न्यूक्लियर पोर और ये हमारा लिक्विड जो मैट्रिक पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म और सेंटर में हमारा न्यूक्लियोलस. तो अब फर्स्ट हम न्यूक्लियर एनवलप के बारे में बात करेंगे. न्यूक्लियर एनवलप ये जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है वो कवर करता है न्यूक्लियस को. इट बाउंड्स द न्यूक्लियस. इट बाउंड्स द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटसाइड. तो ये न्यूक्लियस को बाहर की तरफ से कवर करता है और इसका काम है इसको साइटोप्लाज्म से अलग करना. न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है एंड सेपरेट
इट फ्रॉम न्यू सेपरेट इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करता है कौन? न्यूक्लियर एनवेलप. अब ये जो हमारा ये न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. टू मेम्ब्रेन वही हमारी इनर एंड आउटर, एक इनर है एक आउटर है. जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है इट कैन बी स्मूथ, ये स्मूथ होती है, स्मूथ इन स्ट्रक्चर होती है इनर वाली. और जो हमारी आउटर होती है ये स्मूथ भी हो सकती है या फिर इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह राइबोसोम प्रेजेंट हो सकता है स्मूथ, और इट मे बी अ राइबोसोम, इट मे बी अ राइबोसोम. जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ऐसे ही इसके ऊपर भी हो सकता है कि ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हो. जो आउटर लेयर होती है वो हमारी कनेक्टेड होती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कनेक्टेड विद ER, और वी कैन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमारे न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर लेयर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है. अब हमारी जो इनर लेयर है एंड आउटर लेयर है इस ये सेपरेटेड होती हैं, और सेपरेट होती हैं एक स्पेस से, उनके बीच में खाली जगह होती है, उस खाली जगह को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. सो इनर लेयर एंड आउटर लेयर इज सेपरेटेड बाय अ स्पेस, इज सेपरेटेड बाय स्पेस, और उस स्पेस का नाम क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस. इसकी विड्थ कितनी होती है? 10 to 15 nanometer. तो 10 to 15 nanometer की एक खाली स्पेस होती है जिससे इनर और आउटर अलग अलग जगह यानी कि सेपरेट होते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से. जो हमारे न्यूक्लियर एनवेलप है इसके ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं या जगह खाली प्रेजेंट होती है. जैसे ये हैं, ये हमारे पोर्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियर एनवेलप पे पोर्स हैं, और उन पोर्स का काम क्या होता है? इट कंट्रोल पैसेज, कंट्रोल्स पैसेज. ये मटेरियल को सेल न्यूक्लियस के अंदर आने में और बाहर जाने में हेल्प करते हैं. कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, पैसेज ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड सेल. जैसे कि एंटर क्या क्या हो सकता है? जैसे राइबोसोम है, प्रोटीन है, इन सब का जो अंदर आना या बाहर जाना कौन कंट्रोल करता है? ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप पे. नेक्स्ट न्यूक्लियर एनवेलप के बाद हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म इसे ट्रांसपेरेंट होता है. ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है और सेमी फ्लूड होता है. सेमी फ्लूड जैसे कि कोलोइडल सब्सटेंस होते हैं हमारे, सेमी फ्लूड होता है एंड कोलोइडल, कोलोइडल सब्सटेंस जो हमारे हाफ लिक्विड टाइप होते हैं वैसे सब्सटेंस होते हैं. और कहाँ प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर फिल होता है, इट इज फिल्ड इनसाइड न्यूक्लियस. जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था स्लाइड में कि कैसे न्यूक्लियोप्लाज्म एक न्यूक्लियस बना था और उसके अंदर जो फ्लूड मटेरियल था वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट था. तो इट इज़ फिल्ड इन न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? एक हमारा इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस, हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रेजेंट होता है, एंड फाइबर्स. और वो फाइबर्स कौन है? क्रोमैटिन. सो न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हमारा है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो स्फेरिकल सब्सटेंस हमने देखा था उसको हम न्यूक्लियोलस बोलेंगे. तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्ड होता है, इट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फीयर जैसा शेप होता है इसका, जो कि हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका. और ये
सेपरेट नहीं होता है न्यूक्लियस से, इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियो प्लाज्म, इट इज नॉट सेपरेटेड बाय रेस्ट न्यूक्लियो प्लाज्म. जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये उससे बिल्कुल कनेक्टेड होता है, सेपरेट नहीं होता, बिकॉज इस ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, बिकॉज इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन. जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, इसीलिए वो बाकी न्यूक्लियस से अलग भी नहीं होता है, उसी से कनेक्टेड रहता है. और इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ दी साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. ठीक है, तो ये सिंथेसाइज करता है, किसको सिंथेसाइज करता है, हमारा जो राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी कि आरएनए. नेक्स्ट इज आफ्टर न्यूक्लियोप्लाज्म एंड वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियोलस एंड नाउ इट टर्म्स ऑफ क्रोमैटिन. अब हम क्रोमैटिन की बात करेंगे. क्रोमैटिन क्या होता है, डिफ्यूज नेटवर्क होता है, डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर. और ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर ही क्या होता है, क्रोमैटिन. जैसे कि हमने डायग्राम में दिया देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे जो डिफ्यूज, तो ये डिफ्यूज हैं, एक दूसरे से एकदम एक कंजस्टेड वे में मिले हुए हैं, तो ये डिफ्यूज हैं, इसीलिए इनको डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन बोला गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्रोमैटिन. अभी जो क्रोमैटिन होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए के प्लस कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं, और उन बेसिक प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन. क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन. जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें ही आएगा. ये क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को पैकेजिंग करके डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है. और ये कुछ आरएनए प्लस प्रोटीन का भी बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन. लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, अब न्यूक्लियस के जरिए क्या प्रेजेंट हो जाता है, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. सो क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट हो जाता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाता है जब हम सेल डिवीजन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं. अब ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में एक कंस्ट्रिक्शन होता है बीच में, तो पोजीशन ऑफ दैट कंस्ट्रिक्शन, उस कंस्ट्रिक्शन का नाम होता है सेंट्रोमेयर. क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेयर. और इसकी पोजीशन के बेसिस पे फोर टाइप्स में क्रोमोसोम को बांटा गया है, जो हम अभी देखेंगे. अब जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे कि इसमें बने हुए हैं बीच में, ये क्या है, सेंट्रोमेयर है. तो सेंट्रोमेयर के पोजीशन के हिसाब से हमारे जो क्रोमोसोम है इनको फोर टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, जिसे हम पहला देखेंगे. पहले को हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक. क्यों, क्योंकि जो इसका कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, सेंट्रोमेयर से, तो ये जो सेंट्रोमेयर है बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है, तो ये टू इक्वल आर्म बना रहा है. जैसे कि ऊपर भी इतनी है और नीचे भी इतनी है, तो टू इक्वल आर्म्स ये फॉर्म करेगा, क्योंकि सेंट्रोमेयर जो है मिडिल में फॉर्म है. जब सेंट्रोमेयर मिडिल में फॉर्म होगा तो वो मेटासेंट्रिक है, और जब सेंट्रोमेयर मिडिल से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर होगा टूवर्ड्स दी एंड, तो एक छोटी आर्म बनाएगा और एक लॉन्ग आर्म बनाएगा, और उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक. और एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि वो टूवर्ड्स दी एंड, टूवर्ड्स वन एंड, पूरा एक एंड की तरफ चला जाएगा जब सेंट्रोमेयर, तो एक बहुत ही छोटी बनाएगा और एक बहुत बड़ी आम बनाएगा, तब हम उसे बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक. फिर आता है टीलोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, बिल्कुल टर्मिनल में हमारा, बिल्कुल एंड पे ही पहुंच जाएगा एकदम सेंट्रोमेयर, तो वो क्या होगा,
वो बिल्कुल भी जो दूसरी वाली आर्म है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, और एक लॉन्ग आर्म बनाएगा, दैट इज टीलो सेंट्रिक।